पाठ का शीर्षक है पत्तियों का चिड़ियाघर। बच्चों सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। बच्चों अब ये कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते, पेड़ों के बस्ते में होते। खेल खिलौने सस्ते सस्ते, खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों का भी है संसार। पत्तों के हैं कई प्रकार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, हर पत्ते का है आकार। केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छू कर तो देखो, पत्तों को छू कर तो देखो। उनसे हाथ मिलाओ तुम, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में, हंसी खेल में बातचीत में। उनको मित्र बनाओ तुम, उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर, अखबारों की तह के भीतर। उनको नींद सुलाओ तुम, उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो, अगर नींद से जाग उठे तो। गुनगुन गीत सुनाओ तुम, गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, इन सूखे पत्तों से खेलो। मिलकर इन्हें सजाओ तुम, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम, कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पीपल पेट पूंछ डंडी की। पैर कनेर के इमली की नाक,
पैर कनेरे के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूंछ, हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, होते हैं बेजान न पत्ते, होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान, कोई है चोटी की शान, पेड़ों के पत्तों से बच्चों, पेड़ों के पत्तों से बच्चों, बनता सुंदर चिड़ियाघर, बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर, जल्दी आओ करो सफर। और अब अंत में सुनो ये कविता संगीत के साथ। के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते, खेल खिलौने सस्ते सस्ते, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार, केले बरगद और अनार, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। पत्तों को छू कर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम, उनको मित्र बनाओ तुम, उनको मित्र बनाओ तुम, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम, गुनगुन गीत सुनाओ तुम, गुनगुन गीत सुनाओ तुम, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम, कागज पर चिपकाओ तुम, कागज पर चिपकाओ तुम, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। पीपल टेक पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी हो
पत्ता लगता चेहरा, कोई है छोटी की शान, कोई है छोटी की शान, कोई है छोटी की शान। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर, 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 जल्दी आओ करो सफर। पत्तियों का चिड़ियाघर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, काव्य रचना अरविंद गुप्ता, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर संजय भटनागर, अनुजा बिसारिया और बच्चे, वाचन स्वर नीतू तिवारी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।